एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल अरे सब्सक्राइब कर देना चैनल को लाइक like करना इस वीडियो को एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो चलिए शुरू करते हैं देखिए ये आपने शब्द कहीं ना कहीं सुना होगा रेडॉक्स रिएक्शन ये रेडॉक्स का जो मतलब है ना इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इनटू टू पार्ट्स रेड एंड ऑक्स लाल बेल ऐसा नहीं है रेड red मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन ये दोनों प्रोसेस मिलकर बनाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज बच्चों इसको समझने के लिए पहले मुझे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों का मतलब समझना होगा चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके तीन मतलब है। आपको मैं पहला मीनिंग बताता हूं फर्स्ट मीनिंग इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एकदम सिंपल ऑक्सीजन को जोड़ देना ऐड कर देना तो एग्जाम्पल लेते हैं चलो हमने लिया है मैग्नीशियम हमने एक किया था। है आपको मैग्नीशियम रिबन को अगर एटमॉस्फेयर ठीक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है काफी सिंपल बैलेंसिंग है देखिए रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है दो है प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है MgO एक ही है तो मैं MgO को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है फिर मैग्नीशियम कितना हो गया प्रोडक्ट में दो मैग्नीशियम है तो मैं रिएक्टेंट में Mg को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा काफी सिंपल बैलेंसिंग है बट इस रिएक्शन में हुआ क्या हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया तो इस एडिशन को मैं ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं काफी सिंपल चीज है एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन कार्बन को भी अगर आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो C c+o2 कंबाइन हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा भाई co2 ये भी ऑक्सीडेशन है काफी सिंपल मीनिंग है अच्छा तो सेकंड मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो देखो हमने लिया है mg h2 मैग्नीशियम हाइड्राइड जब इसको मैं डीकंपोज करता हूं ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलता है एम जी मैग्नीशियम प्लस एच टू अभी एच टू गैस है ना तो मैं एक अपवर्ड एरो से उसको डिनोट करूंगा इंडिकेट करूंगा बिल्कुल सिंपल बच्चों तो यहां पे मुझे बताइए मैग्नीशियम हाइड्राइड में से एच टू को निकाल दिया हकल दिया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एकदम सिंपल बच्चों एक और चलो यहां पे मैंने लिया है सी एच थ्री सी एच थ्री इसको हम बोलते हैं इथेन शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा कार्बन कंपाउंड्स अगर पढ़ा होगा तो आपको यह आएगा यह एक अल्केन होता है CH3 CH3 कितने हाइड्रोजन है टोटल H3 H3 कितने सिक्स है ना सिक्स हाइड्रोजन है तो इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो मुझे मिलता है CH2 CH2 इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथिन बच्चों ईथिन के बीच में एक डैश दिख रहा है ईथिन के बीच में दो डैश दिख रहे हैं इसका मतलब अगर आप कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे ना जब मैं आपको चैप्टर वो पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का तब एकदम क्लियर हो जाएगा अभी सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए इथेन में सिक्स हाइड्रोजन था हमने दो हाइड्रोजन निकाल दिया तो Ethan मिला एंड प्लस एच टू एच टू उड़ गया देखिए तो यहां पे भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसको भी मैं क्या बोलने वाला हूं ऑक्सीडेशन काफी सिंपल चीज है बच्चों अच्छा एक और बात सुनो चलो मैंने लिया है एथेनॉल सी एच oh डैश सी एच टू एथेनॉल आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा ये एकदम कॉमन टाइप का एल्कोहल alcohol है एल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं रम विस्की दारू वोडका, सब में एथेनॉल प्रेजेंट है अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे इसमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा तो मैं वो ऑक्सीजन को ऐसे ब्रैकेट में इंडिकेट करता हूं बच्चों ये जो ओ लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन दिस इज द रिएक्टिव स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम ब्रैकेट में सिंगल ओ दिखाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ये ये देगा कौन? ये आएगा कहां से ध्यान से सुनना हमारे पास एक केमिकल है के टू सी आर टू ओ सेवन इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट आई रिपीट पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके बाजू में स्लैश करके एच टू एसओ फोर लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलूंगा क्या बोलूंगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अब ध्यान से सुनना बच्चों इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का काम है ऑक्सीजन देना फॉर ऑक्सीडेशन मुझे एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा पोटेशियम डाइक्रोमेट देगा चलो ऑक्सीडेशन होने के बाद मुझे मिलता है एसिड देखिए ऑक्सीजन एड हो गया अंदर एक एक एथेनॉल में ऑक्सीजन था एसिड में दो ऑक्सीजन आ गए आप acid. आपने विनेगर सुना है एसिटिक एसिड ठीक है acid. तो बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या किया ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो देखिए द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट Makes फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी सिंपल चीज है बच्चों डो नॉट गेट कंफ्यूज व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द रियक्टेंट एकदम सिंपल चलो के टू सी आर टू ओ सेवन कौन है पोटेशियम डाइक्रोमेट इसके अलावा भी एग्जाम्पल हमारे पास एच टू ओ टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके पास भी ऑक्सीजन पड़ा है ना तो दिस इज ऑल्सो एजेंट वैसे ही हमारे पास है के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैंगनेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों ये एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में तो ये ध्यान से सुन लो एंड ओ थ्री होता है ओजोन

ऑक्सीजन कहां ऐड हुआ था ऑक्सीडेशन में तो वैसे ही रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा देखो example देता हूं. Vegetable oil is a liquid. जब इस vegetable oil में hydrogen किया जाता है, hydrogenation होता है, होता तब मुझे मिलता है वनस्पति घी विच इज सॉलिड तो यहां पे हुआ क्या जो लिक्विड था ऑयल उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया वो कन्वर्ट हुआ इनटू घी

वैसे ही दूसरा मतलब क्या है रिडक्शन का रिमूवल ऑफ तो जैसे ही ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था वैसे रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है ठीक है बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है दोनों चीजें ध्यान से सुनना चलो हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड से यू ओ इसके पास ऑक्सीजन है ठीक है इसमें मैंने ऐड किया हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा कॉपर का जो ऑक्सीजन है वो चुरा लेगा उठा लेगा लपेट लेगा समेट लेगा अपनी तरफ कर लेगा तो मुझे मिलेगा कॉपर एंड ऑक्सीजन को किसने उठाया हाइड्रोजन तो मुझे मिलेगा एच टू ओ तो यहां पे रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का तो इसको भी हम क्या बोलते हैं रिडक्शन किस चीज का रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का उसमें से ऑक्सीजन निकला ना तो कॉपर ऑक्साइड वॉज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन आर यू अंडरस्टैंडिंग चलो इसके बारे में आपको एक दो बातें और बतानी है कॉपर ऑक्साइड लिया हमने हाइड्रोजन ऐड किया सेम रिएक्शन तो मुझे मिला कॉपर प्लस H2O अभी ध्यान से सुनना कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के मुझे कॉपर मिला बराबर इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं रिडक्शन बोल सकता हूं CuO से बना, Cu बना CuO से Cu बना ये रिडक्शन हुआ वैसे ही एच टू ने क्या किया ऑक्सीजन को उठा लिया तो हाइड्रोजन से एच टू ओ बना इसको मैं ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं ठीक है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं पहली बात अभी दूसरी बात ध्यान से सुनना कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है जो केमिकल ऑक्सीजन देता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं देखो कॉपर ऑक्साइड कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वैसे ही हाइड्रोजन क्या कर रहा है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है ले रहा है तो हाइड्रोजन कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं समझे जो ऑक्सीजन देता है वो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन लेता है वो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट काफी सिंपल देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता है रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है बच्चों तो भी मैं आई से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों साथ में होते हैं तो इन दोनों को मैं एक ऑक्सीडेशन तो हो रहा है तो रिडक्शन भी होने वाला है कंपल्सरीली तो उस पूरे रिएक्शन को मैं बोलता हूं रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा है अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग नई बात बतानी है नई नहीं है पुरानी है बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ओके ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है कॉपर कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड रिड्यूस 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 हुआ हुआ रेडियूस। किसने किया रिड्यूसिंग रेडियूस? एजेंट ने हाइड्रोजन ने तो कैन आई से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रेड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा वीडियो पॉज करो यहां पे रुको मैं भी रुकता हूं आप भी रुको और ये सेंटेंस को वापस से एक बार पढ़ो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट बराबर वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ एच टू ओ बना उसको ऑक्सीडाइज कौन किया कॉपर ऑक्साइड तो कैन आई से रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहां पे दो बातें हुई हमारे साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हुआ बाय द रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हुआ बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मजा आया पॉज करना ये दोनों सेंटेंसेस लिख लेना तीन बार पढ़ना आपको मतलब समझ में आ जाएगा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन हो रहा है ठीक है बच्चों थोड़ा आगे जाए यहां तक बात समझ में आई चलिए तो वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं मैंगनीज डाई ऑक्साइड मेरे पास एम एन ओ टू है ठीक है अभी एम एन ओ टू में मैंने ऐड किया फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है तो मुझे मिला एम एन सी एल टू मैंगनीज क्लोराइड एम एन सी एल टू प्लस मुझे मिला टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ एंड क्लोरीन क्लोरिन गैस मिले तो ये पूरे रिएक्शन में ऑब्जर्व करना एम एन ओ टू एम एन ओ टू का क्या बना एम एन सी एल टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यह एमएन ओ टू से एमएनसीएल टू बना ये क्या है रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एच सी एल जो था एच सी एल का क्या बना एच टू ओ बना ऑक्सीजन एड हुआ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं साथ में हो रहे हैं तो ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन है बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी MnO2 कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देखो वो ऑक्सीजन दे रहा है एंड वो खुद क्या हुआ रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है तो वैसे ही HCl कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है उसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं पक्का चलो आगे जाते हैं तो बच्चों हमने ऑक्सीडेशन का दो मतलब पढ़ा एंड रिडक्शन का भी दो मतलब पढ़ा सुनो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है बराबर है दो मतलब अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन का थर्ड मीनिंग बताऊंगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बच्चों ध्यान से सुनना ओके okay? एक रिएक्शन लेते हैं हमने लिया है के एम एन पोटेशियम पर मैंगनेट टू के एम फोर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ के एम एन हमने आपको बताया कि के एम एन ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले बराबर इसमें मैंने ऐड किया एफ ई एसओ फोर आयन सल्फेट लिसन वेरी केयरफुली आयन सल्फेट एंड मैंने ऐड किया एच टू एस ओ फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड तो ये मेरे तीन रिएक्टेंट है इसको मैंने ऐसा सीधा क्यों लिखा है इसके पीछे भी एक रीजन है आपको बताऊंगा जगह नहीं है मेरे पास अच्छा रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में क्या मिलता है देखिए बच्चों सबसे पहले मिला के टू एसओ फोर पोटेशियम सल्फेट फिर मुझे मिला, MnSO4, sulphate, बराबर. मुझे मिला Fe2SO4, ये भी आयन सल्फेट ही है लेकिन रिएक्टेंट में उसका फॉर्मूला क्या था एफ एसओ फोर एंड प्रोडक्ट में उसका फॉर्मूला क्या हो गया है एफ ई टू एसओ फोर थ्राइज ध्यान से सुनना एंड मुझे मिला 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू तो ये हो गया पूरा रिएक्शन रिएक्शन बहुत खतरनाक दिख रहा है डरावना दिख रहा है पूरी रिएक्शन पे नहीं करना है तो टेंशन पहला फोकस मुझे पे करना है। ये भाई साहब कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन दे रहे हैं पहली बात दूसरी बात ऑक्सीडाइज हुआ कौन FeSO4 है ना आयन सल्फेट वो ऑक्सीडाइज होकर बना Fe2SO4 ब्रैकेट के बाजू में थ्री आर यू अंडरस्टैंडिंग इधर ऑक्सीडेशन हुआ किसका आयन सल्फेट का हुआ तो देखो बच्चों क्या हुआ एग्जैक्टली बताता हूं आपको FeSO4 जो है ना इसका नाम है फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट नाम है ये जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया एफ ई इसको हम बोलते हैं फेरिक सल्फेट फेरस का बना फेरिक इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या एक्टली exactly क्या हुआ वो देखते हैं ठीक है एफ एसओ फोर क्या बना एफ टू एसओ फोर जब इस रिएक्शन का मैं आयोनिक फॉर्म देखता हूं आयोनिक रिएक्शन देखता हूं तो मुझे क्या पता चला सुनो आयन के ऊपर एफ ई के ऊपर चार्ज है टू प्लस टू प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वैसे ही सल्फेट के ऊपर टू माइनस नेगेटिव चार्ज होता है एफ टू प्लस सल्फेट टू माइनस ठीक है लेकिन जब ऑक्सीडेशन हुआ तो एफ का चार्ज देखो क्या हो गया एफ थ्री प्लस हो गया एफ जो टू प्लस था वो क्या हो गया थ्री प्लस आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा एक बात एंड एसओ फोर तो वैसा ही रहने वाला है टू माइनस ठीक है बच्चों तो हमें फोकस किस पे करना है अभी एफ टू प्लस क्या बना एफ थ्री प्लस पूरा गेम यहीं पे हो रहा है ध्यान से सुनना Fe2+ को बोलते हैं फेरस इस जो फॉर्म है ये आयन का जो प्लस टू फॉर्म है इसको बोलते हैं फेरस प्लस टू क्या बना प्लस थ्री कैसे बना सर अब टू का थ्री कैसे बना सकते हो आपको बताऊं अगर एक एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो प्रोटॉन बढ़ जाता है अंदर प्रोटॉन सेम ही रहता है बढ़ता नहीं है बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा एटम में तो एफ टू प्लस जो है उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाला तो वो एफ प्लस हो जाएगा तो मैं रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं Fe3+ प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया अंडरस्टैंडिंग तो फेरस जो था एफ प्लस वो बन गया Fe3+ प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों अंडरस्टैंडिंग आयन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ऑक्सीडेशन so, क्या होता है लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ये आपको तीसरा मतलब बता रहा हूं ऑक्सीडेशन का पहला मतलब क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दूसरा मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तीसरा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है इसका मैं उल्टा कर सकता हूं क्या सर अगर मैंने Fe3+ लिया है फेरिक एंड इसमें अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एड किया अंदर डाल दिया देखो प्लस इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कम होगा तो क्या हो जाएगा सर एफ प्लस टू हो जाएगा टू प्लस तो फेरिक भी वापस फेरस बन सकता है तो रिडक्शन मीन गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन वापस डाल रहे हैं तो उसका रिडक्शन हो रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग लेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ठीक है बच्चों कोई भी दिक्कत है आई होप सिंपल है यार ठीक है तो भाई ऑक्सीडेशन के तीन मतलब बता दीजिए पहला मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दूसरा मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फटाक से रिकेप कर लेते हैं एंड तीसरा मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ेगा Fe2+ का क्या हो जाएगा 3+ ऑक्सीडेशन तो वैसे ही रिडक्शन का एक मीनिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो एफ थ्री प्लस से क्या हो जाएगा वापस टू प्लस हो जाएगा उसका चार्ज कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ठीक है बच्चों और एक दो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द एजेंट अभी भी अगर नहीं दच तो में पॉज करके वापस तीन बार पढ़ लेना इसको समझ में आ जाएगा बच्चों एंड ये थी सारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बातें आपको तीनों मतलब आई होप समझ में आए हैं आपको तीन एग्जाम्पल भी दे रहा हूं यहां पर भाई सॉल्व करना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है ये सारी बातें मुझे आप बताना कमेंट्स में अगर आपको मजा आ रहा है एंड भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना शेयर कर देना वीडियो को एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच